Hey everyone, welcome back to the channel. In this video, we'll be discussing about United Nations Economic and Social Council. आज हम ECOSOC के बारे में कुछ basic चीजें पढ़ने वाले हैं. So let's start the video without wasting time. सबसे पहले हम आ जाते हैं कुछ very basic information के ऊपर about Economic and Social Council. ECOSOC is responsible for coordinating. सबसे पहले समझते हैं कि ECOSOC का काम क्या है. It is responsible for coordinating, coordinate करना, the economic and social fields. ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल सोसाइटी वाले सारे काम करता है ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली विद रेफरेंस टू 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज ऑफ यूनाइटेड नेशंस. यूनाइटेड नेशंस की जो 15 स्पेशलाइज्ड एजेंसीज हैं उन एजेंसीज के जो काम है उन काम के ऊपर कोऑर्डिनेशन करना, उनसे कोऑर्डिनेशन लेना एंड इकोनॉमिकली सोशली जो इश्यूज होते हैं उनका डिस्कशन करना इंटरनेशनल लेवल पे. ठीक है, इट एक्ट्स एज अ सेंट्रल फोरम, बहुत ही बेसिक और सेंट्रल प्लेटफॉर्म है किस चीज का, फॉर डिस्कसिंग द इंटरनेशनल इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज. किसी भी देश में अगर सोसाइटी में कुछ चीजें बुरी हो रही हैं, गलत चीजें हो रही हैं एज पर द लेवल ऑफ सोसाइटी, लोगों के साथ, इकोनॉमिकली, तो वैसे सारे डिस्कशंस कहाँ पर होते हैं, ECOSOC में होते हैं. एंड फॉर्मुलेटिंग पॉलिसी रिकमेंडेशन टू मेंबर स्टेट्स, और जो भी पॉलिसी में जो भी रिकमेंडेशन देने होते हैं मेंबर स्टेट्स को, वो वाला काम भी ECOSOC संभालता है. इट डील्स विद द पॉलिसीज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जो भी सस्टेनेबल डेवलपमेंट है कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी चीज़ें मिलें, हम सिर्फ सारे रिसोर्सेज हम ही ना खत्म कर दें, तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता है. तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की पॉलिसीज का इम्प्लीमेंटेशन करना, इकोनॉमिक गोल्स जो बने हुए उनका इम्प्लीमेंटेशन करना, सोशल गोल्स का इम्प्लीमेंटेशन करना, इंटरनेशनल डेवलपमेंटल गोल्स का इम्प्लीमेंटेशन करना. ठीक है, इन सारे सोसाइटी को लेकर एज अ कंट्री या एज अ होल इम्प्रूव करना, वो सारा का सारा काम कौन करता है, इट इज डन बाय ECOSOC. हेडक्वार्टर कहाँ है ECOSOC का, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका. प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट इज कॉलिन विक्सन कैलापाइल, ही इज 77th प्रेसिडेंट एंड ही सक्सीडेड मुनीर अकरम ऑफ पाकिस्तान. तो मतलब ECOSOC के पहले जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे, ही वॉज मुनीर अकरम एंड ही वॉज फ्रॉम पाकिस्तान, ही वॉज 76th प्रेसिडेंट एंड नाउ कौन है, कॉलिन विक्सन है, ये 77th प्रेसिडेंट है. प्रेसिडेंट का टर्म क्या है, प्रेसिडेंट एक साल के लिए इलेक्ट किया जाता है ECOSOC में. ठीक है, टोटल मेंबर्स ECOSOC के कितने हैं, देयर आर 54 मेंबर्स इन द ECOSOC, इलेक्टेड बाय UNGA, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट. इंडिया हैज बीन इलेक्टेड टू द इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल फॉर द टर्म 2022 से 2024 के लिए, मतलब इंडिया को इलेक्ट किया गया 3 साल के लिए आगे आने वाले समय में. ईच मेंबर ईच वोट, क्राइटेरिया क्या है, हर एक मेंबर स्टेट को एक वोट डालने का मौका दिया जाएगा. यूनाइटेड नेशंस कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन, UNCSW, ये क्या है, ये भी ECOSOC की एक बॉडी है. इंडिया इज अ मेंबर, इस बॉडी का मेंबर है कब से, 14 सितंबर 2020 से. कब तक के लिए बना इंडिया मेंबर, 4 साल के लिए बना है. ठीक है, तो ये जो मैं लिखा रही हूँ ना, ये वन लाइनर्स, ये जो बॉडीज है ना ECOSOC की, बहुत इंपॉर्टेंट बॉडीज है, एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाएगा, तो आप प्लीज याद करते चलें या समझते चलें अच्छे से. सेकेंड इज हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम, HLPF, ये क्या है, ये भी ECOSOC की बॉडी है. अच्छा, एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि लिखा होगा HLPF किसकी बॉडी है, नीचे ऑप्शन दिए होंगे ANB, BNC, ओनली डी, ओनली ई, ऐसे करके ऑप्शन दिए होंगे, तो आप कंफ्यूज ना हो इस वजह से बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, प्लीज समझ लें. ECOSOC की बॉडी है ये क्या है, रिव्यू करती है 2030 के एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है फॉर द 2030, उन गोल्स का रिव्यू कि कितने कितने अचीव हुए, क्या हो रहा है इन गोल्स का, हो रहा है कुछ कि नहीं हो रहा है. इट मीट्स पर ईयर, हर साल मिलते हैं जुलाई में, एंड एक्ट्स एज अ सेंट्रल प्लेटफॉर्म. ठीक है, तो हाई लेवल पॉलिटिकल फोरम जो है वो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, डेवलपमेंटल गोल्स SDG से डील करता है, वाइल यूनाइटेड नेशंस ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन डील करता है, यूनाइटेड डील करता है वुमेन के स्टेटस के ऊपर. ओके, कि वुमेन की क्या कंडीशन है किसी भी कंट्री में. देन कम्स क्वाड्रेनियल कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी रिव्यू, QCPR, ये क्या है, इट आल्सो कम्स अंडर ECOSOC, ये है क्या, इट इज अ चीफ इंस्ट्रूमेंट ऑफ UNGA टू सपोर्ट कंट्रीज इन देयर डेवलपमेंटल एफर्ट्स. जो भी कंट्री अपने देश को डेवलप करने के लिए मेहनत कर रही है, कोशिशें कर रही है, उनकी हेल्प करता है ये इस प्लान के थ्रू, इस पॉलिसी रिव्यू के थ्रू. जो भी कंट्री अपने डेवलपमेंटल एफर्ट्स कर रही है कि इस चीज में डेवलपमेंटल हो जाए या इंडस्ट्रियलाइजेशन हो जाए, देश थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, उन सब चीजों में ECOSOC की ये वाली बॉडी QCPR हेल्प करती है उन मेंबर स्टेट्स की.
ओके, सो थैंक यू एवरी वन फॉर वॉचिंग द वीडियो. आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा. एंड यू कैन विजिट द डिस्क्रिप्शन बॉक्स सारे ऑर्गन्स की वीडियो देखने के लिए. एंड इफ़ यू आर न्यू टू द चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं. इफ़ यू आर ऑन फेसबुक, इकोनॉमिक्स हब के नाम से पेज है, यू कैन लाइक दैट पेज फॉर ऑल अपडेट्स. इफ़ यू आर ऑन टेलीग्राम, ज्वाइन आयुषी शर्मा एजुकेशन फॉर ऑल PDFs, जो भी पढ़ाती हूँ वहाँ पर शेयर कर देती हूँ. ठीक है, तो नोट्स देख के पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा. थैंक यू अगेन एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल. एंड प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आया हो तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वॉच कर लें बाकी सीरीज़ को, क्योंकि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है. Thank you again and stay happy.